हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7। द टॉपिक, द न्यू टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ट अबाउट द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, अबाउट द चैप्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स, ईच एंड एवरीथिंग briefly described by me in that video. If you have to aware for that videos, then you can upgrade your knowledge with a great practice, because without practice you can't do anything in any area, in any subject. So dear students, you have to do a lot of practice. In this process we will discuss about the congruence of triangles. We had discussed about which chapters? Lines and angles, basic parts of point, line, line, segment, ray, angles, types of pairs of angles, triangles, triangle ki properties, kinds of triangles according to sides, kinds of triangles according to the angles, exterior angle property or inequalities of triangles, median, altitude, orthocenter, supercenter, and centroid, a lot of things. Now in this process we can discuss about congruence of triangles. What is congruence of triangles? So the word is congruency. ये congruency क्या होती है? ध्यान दो बेटा, ये सबसे best definition है. Two figures are congruent. Congruent का मतलब मैंने बता रखा है equality से. अगर दो चीज equal है तो both are congruent. Two figures are congruent if both have equal shape and size. ये होता है, दो figure congruent होते हैं अगर उनके equal shape और size में। दूसरी चीज, अब congruency देख लीजिए, जैसे मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में जब किसी हीरो का डबल रोल होता है या विलेन का डबल रोल होता है तो बोथ आर कांग्रुएंट, दोनों क्या कहलाएंगे? कांग्रुएंट, दोनों एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल, दो चीज है बस, सेम शेप है, सेम साइज है, सब कुछ सेम है, तो वो दोनों कांग्रुएंट कहलाएंगे। तो बेटा दो लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट होगा अगर उनकी लेंथ इक्वल है, दो एंगल्स कांग्रुएंट होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि उनका मेजरमेंट इक्वल है, क्लियर है? दो सर्किल्स इक्वल होंगे, दो सर्किल्स कांग्रुएंट होंगे अगर उनका रेडियस इक्वल है, रेडियस सेम है तो कांग्रुएंट। तो कांग्रुएंसी की साइन ये होती है, जो ये साइन होती है ये होती है सिमिलरिटी की, और ये जो साइन होती है ये होती है इक्वलिटी की। तो ऐसे दो फिगर जो सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? अब दो पैर के जानवर की तुलना दो पैर से ही करेंगे, चार पैर से तो करेंगे नहीं। अगर चार पैर के जानवर की तुलना दो पैर से करते हैं तो ये सिमिलरिटी नहीं है, ये अलग बात है। लोग कर देते हैं, गधे हो क्या? अक्सर गधा बोल देते हैं बच्चे एक दूसरे को, तो ऐसा नहीं है। When you compare anything, जैसे फर्नीचर की कंपेयरिंग आप फर्नीचर से करेंगे, मकान से नहीं करेंगे, बर्तन की कंपेयरिंग बर्तन से करेंगे, दुकान से नहीं करेंगे, बुक्स की कंपेयरिंग बुक से ही करेंगे, कॉपी से नहीं करेंगे, पेन की कंपेयरिंग पेन से करेंगे, आदमी की कंपेयरिंग आदमी से करेंगे, कपड़े की कंपेयरिंग कपड़े से ही करेंगे, और पर्स की कंपेयरिंग पर्स से करेंगे। तो ये होता है सिमिलरिटी। चेयर की कंपेयरिंग चेयर से, किसी घर में गया आपने फर्नीचर अच्छा देखा तो हाँ उनके यहाँ का फर्नीचर, तो फर्नीचर कंपेयरिंग किससे हुई? फर्नीचर से। तो ये सिमिलरिटी हो गई। और अगर इक्वल चीज देख लिया आपने, सेम चीज देख लिया, अरे ऐसा मैंने वहां देखा था, अरे ऐसा फर्नीचर मैंने वहां देखा था, अरे ऐसा कपड़ा मैंने उनको पहनते हुए देखा था, अब बिल्कुल ऐसा ही आदमी मैंने वहां देखा था, दैट इज द इक्वलिटी। तो अब जब इस प्रकार की कंपेयरिंग होती है तो कहलाता है कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रुएंसी क्या होता है। दो लाइन सेगमेंट अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो कांग्रुएंट होंगे,
दो सर्किल अगर उनके रेडियस इक्वल हैं तो कांग्रुएंट होंगे, दो एंगल अगर उनके मेजरमेंट इक्वल हैं तो वो कांग्रुएंट होंगे। तो टू फिगर्स आर कांग्रुएंट इफ बोथ हैव इक्वल शेप एंड साइज। इक्वल शेप का मतलब मैंने बताया ना कि अगर फर्नीचर का कंपेयरिंग करना है तो फर्नीचर से करेंगे, ट्राइंगल की कंपेयरिंग करना है तो क्वाड्रेटर से नहीं करेंगे, ट्राइंगल की कंपेयरिंग ट्राइंगल से करेंगे, तो ये इक्वल शेप हो गया। अब ट्राइंगल छोटा बड्डा हो सकता है, अब अगर उनकी साइज इक्वल हो गई तब वो कांग्रुएंट होंगे। अगर अब यही जब बड़ी क्लास में जाएंगे आप नाइन्थ टेंथ में जाएंगे तो वहां कांग्रुएंसी भी पढ़ेंगे और टेंथ में जाएंगे ट्राइंगल में सिमिलरिटी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको बताना है कांग्रुएंसी होती क्या है। तो दो फिगर, टू फिगर्स आर कांग्रुएंट इफ बोथ हैव इक्वल शेप एंड साइज, यानी दो पॉलीगन्स अगर कांग्रुएंट है इसका मतलब दोनों सेम शेप में है। ट्राइंगल भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है, क्वाड्रेटर भी पॉलीगन है। तो ट्राइंगल की कंपेयरिंग हम ट्राइंगल से करेंगे, क्वाड्रेटर से कभी नहीं करेंगे। ये कभी कांग्रुएंट नहीं हो सकते, ये कांग्रुएंट हो सकते हैं लेकिन ये कभी कांग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि इनका शेप ही सेम नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, उसमें कुछ है नहीं आपके। कांग्रुएंसी बिटवीन टू ट्राइंगल्स, कांग्रुएंसी कंडीशन बिटवीन टू ट्राइंगल्स, अब इसको देखते हैं डायरेक्ट, हम इस पर चर्चा करते हैं आपका। कांग्रुएंसी कंडीशन बिटवीन टू ट्राइंगल्स, देयर आर फोर कंडीशंस, साइड एंगल साइड, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल्स, दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, इसको एंगल एंगल साइड भी कह सकते हैं, तीसरा होता है साइड साइड साइड, और चौथा होता है आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब साइड होता है। तो दी जाकर स्ट्रक्चर्स, एस मतलब साइड, अगर दो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में दो साइड और उनके बीच के, एक ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल, दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब दो साइड और उनके बीच के एंगल से इक्वल है, तब तो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे। देखिए जैसे बेटा ये ट्राइंगल हम पहला बता रहे हैं, ये चार कंडीशन होती है, ठीक है, हम पहले में फोकस कर रहे हैं। देखिए समझ रहे हैं, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर। तो अगर इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और ए सी इज इक्वल टू पी आर, यानी ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, तब देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड और उनके द्वारा बना हुआ एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और उनके द्वारा बने हुए एंगल के अलग अलग इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। अब बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि जब इसमें आप ध्यान से इसको नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे, सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ध्यान समझिएगा। अगर इसमें ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, तब ये दोनों, तब ये ट्राइंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, जबकि बी और क्यू एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ए बी और क्यू एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए
कांग्रुएंसी में क्या होता है कि एक चीज समझिए, अब ए बी सी कांग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर है, अगर इट इज गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कांग्रुएंट है, तब देखो बेटा एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और देखो ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी क्यू आर के इक्वल होगा और ए सी पी आर के इक्वल होगा। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये पहले लाइन में चले जाएगा, ए की जगह बी, बी की जगह क्यू, यानी जब दो फिगर कांग्रुएंसी का मतलब क्या है कि जैसे ये है, हमने इसको ऐसे, अभी तो हाथ हमारा है ये रख दिया, अगर इस तरह हम दिखाएं और ऐसे दिखाएं आपको, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक हाथ का दो हाथ है, यानी जब दो फिगर को एक के ऊपर दूसरा रख दिया जाए और देखने से लगे कि एक ही है, यानी इसको सुपर पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन। तब कहेंगे दोनों फिगर कांग्रुएंट है। तो जब इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, चाहे इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा बेटा, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स पे जाके डांस करने लगेगा, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स पे आके डांस करने लगेगा, ये वर्टेक्स यहाँ आके डांस करने लगेगा, ये साइड इस पर डांस करेगी, ये साइड इस पर डांस करेगी, ये साइड इस पर डांस करेगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड हो गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके संगत। समझ आया? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये होता है एबीसी। अगर बेटा यही हम कहें ऐसे, समझिएगा, अगर इसी चीज को हम ऐसे कहें कि ए बी सी ट्राइंगल कांग्रुएंट ट्राइंगल क्यू पी आर, अब क्यू पी आर के कांग्रुएंट हो गया, तब यहां एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, ए क्यू के इक्वल, बी आर के इक्वल और सी आर के, बी पी के इक्वल होगा। अब ए बी जो हो जाएगा क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, बी सी पी आर के इक्वल हो जाएगा और ए सी क्यू आर के इक्वल है, मतलब एक नहीं बदल गया। और यहां अगर ए बी सी पी क्यू आर है तो ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, लेकिन यहां पे ए बी पी इक्वल है, अब बी सी क्यू आर के इक्वल होगा और यहां बी सी पी आर के इक्वल हो गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, अगर इस तरह दिया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया ये होती है, समझ आ रहा है? दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया, अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट दिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पूछ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पूछ रहा है, तो आप उसको बता सकते, ठीक है ना? अगर ये दिया हुआ है एम एन पी कांग्रुएंट टी क्यू आर, तो एम एन टी क्यू के इक्वल होगा, एम पी क्यू आर के इक्वल होगा, एम पी टी आर के इक्वल होगा, एंगल एम एंगल टी के इक्वल होगा, एंगल एन एंगल क्यू के, एंगल पी एंगल आर के इक्वल होगा। आयो अब समझ में आ गया होगा। तो हमने एक क्राइटेरिया बता दिया आपको, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अदर थ्री क्राइटेरिया, ठीक है ना? तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन इन जूम क्लास और इन व्हाट्सएप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।